जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं टॉक विद हेमराज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, राजस्थान में प्राइमरी टीचर के पदों पर भर्ती निकाली गई है। जी हां दोस्तों, कक्षा एक से लेकर आठवीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक के पदों पर भर्ती निकाली गई है। आप यहां देख सकते हैं टोटल 48,000 पदों पर भर्ती निकाली गई है। ऑल इंडिया जॉब है, सभी राज्य के स्टूडेंट इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे कि आपका सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या निगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, एज क्राइटेरिया के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और यदि आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट जरूर करिएगा या आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहां क्लिक करके मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं। तो जैसा आप यहां देख सकते हैं, राजस्थान में प्राइमरी शिक्षक के पद पर भर्ती निकाली गई है, यानी कक्षा एक यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो कक्षा एक से लेकर आठवीं तक के बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। आप यहां देख सकते हैं टोटल 48,000 पद यहां निकाले गए हैं। आप आवेदन कब से कर सकते हैं? 21 दिसंबर 2022 से लेकर दोस्तों 19 जनवरी 2023 तक आप आवेदन कर सकते हैं। फीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपकी फीस यहां ₹450 लगेगी। यदि आप ओबीसी कैटेगरी के नॉन क्रीमी लेयर से हैं और एमबीसी कैटेगरी से हैं तो आपकी फीस यहां ₹350 लगेगी। यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं या बीपीएल कैटेगरी से हैं तो आपकी फीस यहां ₹250 लगेगी। ठीक है, तो आप थोड़ा यहां ध्यान दीजिएगा। आपका पेपर कब होगा दोस्तों, वो भी आप देख लीजिए। 25 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2023 तक आपका यहां पास पेपर होगा। ठीक, यहां देख सकते हैं क्लास फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक के, मतलब की कक्षा एक से लेकर पांचवी क्लास तक के लिए यहाँ पास शिक्षक के जो पद खाली हैं, टीचर के जो पद खाली हैं वो कितने हैं? 21,000। तो देखिए बहुत सारे पद हैं, यदि आप इलिजिबल हैं तो जरूर आवेदन करिएगा। यदि आपने डीएड किया है या बीएड किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। और साथ में यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपका जो रीट एग्जाम है वो क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, यदि आप रीट एग्जाम क्वालिफाइड नहीं है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। ठीक है, वैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में आप डिटेल नोटिफिकेशन एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के लिए शिक्षक के जो पद खाली हैं वो कितने हैं? आप यहां देख सकते हैं 27,000 पद खाली हैं। यदि आपने बीएड किया है या बीएलएड किया है और साथ में रीट क्वालिफाइड है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के लिए। ठीक है, उम्र के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए 18 साल से लेकर 40 साल तक के कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और थोड़ा आप यहां ध्यान दीजिएगा, 1 जनवरी 2023 से आपकी उम्र की गणना की जाएगी। ठीक है, आपकी जो एज काउंट की जाएगी वो 1 जनवरी 2023 से की जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपको उम्र में छूट भी मिल जाएगी, वो देखिए राजस्थान के मूल निवासी को ही सिर्फ और सिर्फ आरक्षण मिलेगा। यदि आप अदर स्टेट से फॉर्म को भर रहे हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, आपको जनरल कैटेगरी की श्रेणी से ही फॉर्म को भरना पड़ेगा, आप इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो देखिए राजस्थान के जो मूल निवासी हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं, एससी एसटी कैटेगरी से हैं या शहरिया कैटेगरी से हैं तो उनको 5 वर्ष की उम्र में छूट दी जा रही है। ठीक है, ये पुरुष के लिए हो गया। वहीं अगर महिलाओं की अगर बात करें तो यदि महिला जो है तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं या ओबीसी कैटेगरी से हैं या एससी एसटी कैटेगरी से हैं या शहरिया कैटेगरी से हैं तो महिलाओं को यहां पास 10 वर्ष की उम्र में छूट दी जा रही है। जनरल कैटेगरी की महिलाओं को और अन्य राज्य की जो महिला हैं उनको 5 वर्ष की उम्र में छूट दी जा रही है। देखिए सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को छूट मिलेगी, ठीक है, और पुरुष को नहीं मिलेगी यदि वो अदर राज्य से फॉर्म को फिल करेंगे तो। ठीक है, तो आप थोड़ा यहां ध्यान में रखिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए आपका पहले पेपर होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा यानी दस्तावेज सत्यापन आपका होगा। ठीक है, तो 2 स्टेज के बाद आपका यहाँ पास फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा।
इसके बाद यहाँ पास पेपर में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा उसके सिलेबस के बारे में यहाँ थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो आप थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको समय जो दिया जाएगा दोस्तों, तो वो दो घंटे 30 मिनट का आपको दिया जाएगा, ठीक है। और प्रश्न कितने रहेंगे, टोटल 150 प्रश्न यहाँ रहने वाले हैं, ठीक है। हर एक प्रश्न जो रहेगा तो 2 नंबर का रहेगा, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो टोटल आपका 300 नंबर का यहाँ पेपर होगा, ठीक है। और यहाँ 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी रहेगी, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा थोड़ा। राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान राजस्थानी भाषा से 100 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। मतलब कि आपके 50 प्रश्न रहेंगे और टोटल 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप के ही प्रश्न यहाँ पूछे जाएंगे। इसके बाद राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार और सामाजिक विषय से 80 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद हिंदी से 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, इंग्लिश से 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब 5 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। विज्ञान से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे 10 नंबर के, मतलब हर एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा, है ना। गणित से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, हर एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा। सामाजिक अध्ययन से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, हर एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा। और शैक्षणिक मनोविज्ञान से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, हर एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा। और सूचना तकनीकी से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, हर एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो मतलब कि 10 नंबर का आपका यहाँ प्रश्न पेपर होगा, ठीक है। इसके बाद दसवां थोड़ा आप यहाँ ध्यान में रखिएगा, शैक्षणिक रीति विज्ञान। इसमें क्या होगा दोस्तों, जैसे आपको इंग्लिश कैसे पढ़ानी है बच्चों को, इस मतलब वो जो नियम होते हैं ना, जो रूल होती है, जो मेथड होती है ना, उससे यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। जैसे हिंदी इंग्लिश, विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, ठीक है। ये 5 सब्जेक्ट रहेंगे शैक्षणिक रीति विज्ञान के अंदर, ठीक है। टोटल 40 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, 20 प्रश्न रहेंगे 40 नंबर के, ठीक है। तो थोड़ा आप इसका सिलेबस भी देख लीजिएगा, ठीक है, पीडीएफ में। इसके बाद थोड़ा आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, कक्षा 6 से लेकर 8 तक शिक्षक के पद विषय अनुसार, मतलब कि किस सब्जेक्ट के लिए कितने शिक्षक के पद खाली हैं वो देख लीजिए। अंग्रेजी सब्जेक्ट के लिए यहाँ पास 8,782 पद खाली हैं। हिंदी सब्जेक्ट के लिए 3,176 पद खाली हैं। विज्ञान गणित के लिए यहाँ पास 7,435 पद खाली हैं। इसके बाद सामाजिक अध्ययन के लिए 4,712 पद खाली हैं, ठीक है, निकाले गए हैं। संस्कृत के लिए 1,808 पद निकाले गए हैं। उर्दू सब्जेक्ट के लिए 806 पद निकाले गए हैं, ठीक है। और सिंधी सब्जेक्ट के लिए 9 पद निकाले गए हैं। पंजाबी सब्जेक्ट के लिए 272 यहाँ पद निकाले गए हैं, ठीक है। तो ये कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के लिए है, ठीक है, इतने इतने शिक्षक के पद जो हैं तो निकाले गए हैं, इस सब्जेक्ट के लिए इतने शिक्षक के पद निकाले गए हैं, ओके। तो आप थोड़ा इसका भी ध्यान में रखिए। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको वेतन कितना दिया जाएगा, सैलरी आपको कितनी दी जाएगी। तो देखिए 9,300 रुपए से लेकर 34,800 रुपए आपको पर मंथ यहाँ वेतन दिया जाएगा। और ग्रेड पे जो है तो 3,600 रुपए का आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो ऑल इंडिया जॉब है, सभी राज्य के स्टूडेंट इसमें आवेदन कर सकते हैं। और यदि आप एलिजिबल हैं तो आप जरूर आवेदन करिएगा। और यदि आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट जरूर करिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।